हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। हम बात करेंगे श्री गणेश बायोटेक शेयर के बारे में। 1.82 करेंट प्राइस है, 7.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है शेयर ने आज। तो फ्रेंड्स, क्या रीज़न है कि आज हमें इसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है? चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आई है। 52 वीक हाई है 11.39, लो है 1.66। 20% का सर्किट है इसमें फॉर द अपर एंड द लोअर बैंड। एंड फ्रेंड्स, जाने अगर हम फंडामेंटल्स, मार्केट कैप बहुत कम है। आप देखिए, पहले 72 करोड़ का मार्केट कैप है, बट फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, शेयर में पोटेंशियल है आपको एक अच्छा रिटर्न देने का। आज बाइंग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। देखिए 68,58,000 तो बाइंग में प्रेशर है, सेलिंग में है 24,37,000 का प्रेशर। तो बाइंग में बहुत ज़्यादा है आज शेयर्स लगे हुए, इसीलिए इतना अच्छा रिटर्न दिया है फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, होप है कि रिजल्ट भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जानते हैं न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट। 2 नवंबर को न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, मिशन फॉर कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन। डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि क्या न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। सो बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है एक पेनी स्टॉक है। जितने टारगेट्स मैंने बताए थे वो सब अचीव हो गए होंगे, क्योंकि आज ही 7% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। डॉक्यूमेंट ओपन होने दीजिए, देखते हैं मैनेजमेंट ने क्या लेटेस्ट हमें अपडेट किया है। श्री गणेश बायोटेक शेयर कंप्लायंस रेगुलेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी वेंसडे 9 नवंबर को टू डिक्लेयर रिजल्ट्स। सितंबर क्वार्टर के, क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। 9 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, तो आपको बस बेल बटन प्रेस करके रख देना है फ्रेंड्स। 9 नवंबर में अभी फ्यू डेज लेफ्ट हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको वैसे ही वीडियो के थ्रू ज़रूर बता दूंगी। उससे पहले हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छी बात है। पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और एक पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे हैं और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जून में 1.15 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 1.04 का प्रॉफिट था। तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ के आएगा 9 नवंबर को, तो ये शेयर हमें 2 रुपीस ब्रेक करते देखने को मिलने वाला है। इस शेयर में फ्रेंड्स बस एक ही दिक्कत है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स नहीं है शेयर में, FII है थोड़े से और बाकी सारी पब्लिक है। सो नेक्स्ट टारगेट, आप नेक्स्ट सेशन के लिए क्या लेके चलेंगे आपको वो प्रोवाइड करती हूँ। 1.90 का टारगेट आप लेके चलिए, एंड 9 नवंबर को इनकी रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट था मैंने आपको दे दिया, नेक्स्ट टारगेट भी दे दिया। एंड न्यू, जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है वो एक बार रिजल्ट का वेट कर लीजिए। वैसे भी शेयर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही है। थैंक यू।